दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट थर्मल फ्लेक्स फ्रॉम इंडिया। थर्मल फ्लेक्स यानी जो थर्मस जिसको बोलते हैं, बेसिकली गर्म का गर्म रहता है चाय, जिसमें ठंडी का ठंडा, कुछ कोल्ड ड्रिंक रहती है। तो बेसिकली थर्मल फ्लेक्स आप कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट के उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, HS कोड क्या है, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, डिमांड कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्रीज का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही, मार्केट साइज कितना बड़ा है, टॉप कंपिटिटर कंट्रीज कौन कौन है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यानी गवर्नमेंट भी आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है थर्मल फ्लेक्स हिंदुस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े और हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसी आए जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, हमारे रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो। तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ पे मिल रहा है 1.6%, 1.6% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 1.6% आपको मिल रहा है DBK। यानी आप देखिए, जितना आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू आपका 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है, 8 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, जितना भी आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू है उसका 1.6% आपको DBK मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। सेकंड नंबर बेनिफिट्स की बात करूं तो IES आता है, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम। तो बेसिकली इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम MSME को 3% मिल रहा है, यानी आपके अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट है, तो बेसिकली उसको 3% मिल रहा है, और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं उसको 2% मिल रहा है IES इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम। अगर मैं RoDTEP की बात करूं, यानी रोड टेप, जो पहले MEIS था, MEIS से हट के बेसिकली बंद होकर अभी ये RoDTEP हो गया, MEIS WTO के अकॉर्डिंग नहीं था, वो हमें अपने ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। तो बेसिकली RoDTEP रोड टेप यानी रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, बेसिकली रोड टेप यहाँ पे आपको 0.5% मिल रहा है, 0.5% ऑफ योर FOB वैल्यू, जितना भी आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 लाख है, जितना भी आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है उसका 0.5% आपको RoDTEP मिल जा रहा है, यानी रोड टेप। अगर मैं बात करूँ HS कोड की, उससे पहले मैं बता दूँ, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइन करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, जैसे अभी हमने इंसेंटिव की बात करी, गवर्नमेंट आपको क्या क्या इंसेंटिव देती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस लगते हैं, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है लाइफ टाइम के लिए, कभी भी आप हमें कोई दिक्कत होती है तो कभी भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली HS कोड की, तो ये 73 नंबर चैप्टर में आता है, 23 इसका सब चैप्टर है, तो इसका HS कोड बन जाता है 73, यानी 7373239424, इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इसका डिमांड है, कौन कौन सी कंट्री इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो USA कितना इंपोर्ट कर रहा है, USA 798 मिलियन US डॉलर का पर ईयर थर्मल फ्लेक्स इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इनटू USA। सेकंड नंबर पे जापान आता है, जापान लोग भी बेसिकली बहुत ज़्यादा शौकीन है, फोंड ऑफ है, तो बेसिकली जापान कितना इंपोर्ट कर रहा है, जापान थर्मल फ्लेक्स इंपोर्ट कर रहा है 255 मिलियन US डॉलर का। जर्मनी नंबर 3 पे आता है, जर्मनी भी पीछे नहीं है, जर्मनी 128 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है थर्मल फ्लेक्स का फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इनटू जर्मनी। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा भी यहाँ पीछे नहीं है, कनाडा 110 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है थर्मल फ्लेक्स का। अगर इंडिया की बात करो, इंडिया भी टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री में आता है, और मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो लोग इंपोर्ट करें धीरे धीरे वो इंपोर्ट कम करके आप इसको एक्सपोर्ट में भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इंपोर्ट कितना कर रहा है हिंदुस्तान, 97 मिलियन रुपये का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है थर्मल फ्लेक्स का। अगर मैं बात करूं मार्केट साइज की, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, उसकी डिमांड क्या है, उसका क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो बेसिकली मार्केट साइज, वर्ल्ड मार्केट साइज इज अराउंड 4.9 बिलियन US डॉलर। ध्यान रखिए, बिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटी सी बोतल है, जो कि थर्मल बोतल है, जो थर्मल फ्लेक्स जिसको बोला जाता है, तो उसका बड़ा मार्केट है, 4.90 बिलियन US डॉलर का मार्केट है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 5.6 बिलियन US डॉलर।
$5.6 बिलियन बाई 2028, यानी अभी 2022 चल रहा है, उसका एंड है, दिसंबर महीना चल रहा है, 2028 तक ये $5.6 बिलियन का होने जा रहा है प्रोडक्ट एट ए CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो ये प्रोडक्ट दिखा रहा है 4.95%। अगर मैं बात करूँ EPC की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे FIO ले सकते हैं, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली FIO का बेसिकली RCMC जो आपको लेना है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, तो बेसिकली उसमें RCMC आपको लगता है जब आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने। अभी आप बोलेंगे सर बिना RCMC के मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? यस करेक्ट, 100% आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिना RCMC के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने जाते हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव आप लेने जाते हैं, तो वो आपको नहीं मिलते विदाउट RCMC के, यानी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यानी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका मेंबर होना आपको अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो RCMC यहाँ पे कितना मिल जाता है आपको? 6,250 रुपीज़ का गवर्नमेंट का फीस है। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, विद इन 1 वीक आपको RCMC आ जाता है FIO का। तो उसको आप बेसिकली हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि RCMC कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं आपके बिहाफ पे, थोड़ा बहुत हमारा कंसल्टेंसी चार्ज रहता है, बाकी जो गवर्नमेंट का फीस रहता है वो भी हम आपको बताते हैं, ये गवर्नमेंट का फीस है और ये हमारा कंसल्टेंसी चार्ज है, पूरा हम आपको बताएं। हमारा काम है बेसिकली आपको फैक्ट बताना, क्या रियल है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में हो रहा है, आपको प्रैक्टिकली समझाना, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना, आपको प्रैक्टिकली समझाना कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ऐसे अगर हम टॉप एक्सपोर्टर की बात करें, यानी वो कौन कौन सी टॉप कंपिटिटर कंट्री है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना इसमें जबरदस्त करके एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना। चाइना इसमें बेसिकली ब्रह्मास्त्र लेके बैठा हुआ है, इतना प्रोडक्शन कर रहा है कि चाइना को पीछे हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। अगर हम, मेरा भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो हमारे सिटीजन हैं, हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप बेसिकली आप ट्राई कीजिए कि जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं, उनका ज़्यादा आप कंजम्पशन कीजिए, उनका ज़्यादा आप यूज़ कीजिए। 2 रुपये चाहे आपको ज़्यादा भी देना पड़े, पर आप ध्यान रखिए, आप कोशिश कीजिए कि मैं मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, जिससे कि चाइना से आने वाला सामान उस पर बेसिकली थोड़ी सी रोक लग सके। वैसे तो गवर्नमेंट भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, लेकिन मेरा यही मतलब है कि आप जितना ज़्यादा देसी प्रोडक्ट यूज करेंगे, हिंदुस्तान का उससे ग्रोथ होगा। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान का उससे ग्रोथ होगा। मैं इंपोर्ट करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप इंपोर्ट भी कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपोर्ट में भी आगे आइए। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हिंदुस्तान की ग्रोथ होगी, और नॉर्मल सिटीजन से जो बेसिकली बिजनेस नहीं कर रहे, नॉर्मल सिटीजन और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पे इसका बेसिकली इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आप जरूर आगे बढ़ेंगे अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो चाइना इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड को वो सप्लाई कर रहा है। तो चाइना $2.41 बिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है थर्मल फ्लेक्स, यानी आप छोटा सा एक बोतल देख लिए, पूरा बोतल का भी उसका मार्केट है $2.41 बिलियन का। कितना बड़ा उसने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। और आगे देखिए, आगे सब बिलियन में कोई है ही नहीं, सब मिलियन में ही आगे एक्सपोर्टर। सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? $84 मिलियन। क्या होता है $84 मिलियन? और वो है $2,400 मिलियन। ये 84 और 2000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ है प्राइसिंग का डिफरेंस कि चाइना पूरा मास प्रोडक्शन में कर दे रहा है, और जाके किसी भी कंट्री में उसकी मार्केट को तहस नहस कर दे रहा है, वहाँ पे डंप कर दे रहा है अपने प्रोडक्ट को। इसलिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाती है किसी किसी प्रोडक्ट में कि भैया यहाँ हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको मार ही दोगे क्या? बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेरी गुजारिश है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि आपको हमें आगे आना होगा, और आपके हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर उनको आपको सपोर्ट करना होगा। जर्मनी 84 मिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, USA 80 मिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर थाईलैंड की बात करूं तो 70 मिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहा है, मलेशिया 48 मिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और ऐसे नंबर लास्ट में जाता है हमारा 12 से 30 नंबर के आसपास हमारा नंबर आता है। तो बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि चाइना यहाँ पे आपका बड़ा कंपटीटर है, चाइना से सस्ता आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं भी उस चीज़ को समझ पाता हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो कंजम्पशन करते हैं, एटलीस्ट वो सामने आए या गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प करे, जैसे कि चाइना से आने वाले जो प्लास्टिक प्रोडक्ट थे, प्लास्टिक टॉयज थे, उसमें गवर्नमेंट ने
रूल चेंज किया, पॉलिसी चेंज किया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, उनको मिला। अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई या गवर्नमेंट का बेसिकली कोई सलाहकार या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ को जरूर पहुंचाए। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.